सो ही गाइस, कैसे आप लोग? ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। तो जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है लक्ष्य चौधरी की ओर से। अभी लोग लक्ष्य चौधरी से बोलते रहते हैं कि तू हर कंट्रोवर्सी में कूद जाता है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक बंदे ने कुछ ये ट्वीट किया, ओए लक्ष्य चौधरी, अबे तुझे शर्म भी नहीं आती, किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी करने लग जाता है बेटा। लक्ष्य कुछ धंधा कर, कॉन्ट्रोवर्सी करके कब तक पैसा कमाएगा? हाँ वैसे भी तेरा करियर कॉन्ट्रोवर्सी पे ही टिकता है बेटा, बिन काम का ज्ञान नहीं चाहिए। इसी का रिप्लाई देते हुए लक्ष्य चौधरी कुछ ये कहे, तेरे जैसी थूत के साथ सोशल मीडिया पर ऐसा कमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस तो चाहिए सच में। अगली अपडेट देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है यो हनी सिंह पाजी की ओर से। हनी सिंह पाजी के अभी दो इंटरव्यू आउट हुए हैं जिसमें वो बात करते हैं एमी वनटाई, एमसी स्टेन एंड बादशाह के बारे में। तो आप देखिए उनकी ये क्लिप। इंडिया में लेके आए, मतलब आप हैं, आपके साथ के जो और भी स्टार्स हैं अब इंडिया में, वो अलग लेवल पे, मतलब फिल्म्स बन रही हैं रैप के ऊपर, हिप हॉप के ऊपर। बिग बॉस में देखो, अभी रिसेंट एपिसोड में आप देखे होंगे एमसी स्टेन के लिए एक अलग ही लोग जा रहे हैं, वो सब। आप इस सीन को देखते हो कैसा फील करते हो आप? कुछ नया लेकर आए, जो हिप हॉप लेकर आए और वो इतना मेनस्ट्रीम चला गया आज कि डिवाइन, एमिवे, बंटाई जैसे स्टार्स इस हिंदुस्तान को मिल चुके हैं जो प्रॉपर हिप हॉप कर रहे हैं और प्रॉपर मेनस्ट्रीम में हैं, जिन पे फिल्में बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर एवरीबॉडी, everybody is doing really good. और बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है MC Stan का, मैंने ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुना हुआ उसका, लेकिन पिछले इंटरव्यू में किसी ने मुझसे MC Stan के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा यार मैंने उसके ज़्यादा म्यूजिक सुना नहीं है। तो उसके बाद मैंने स्पेशली उसका एक गाना सुना जो मुझे अच्छा लगा, और ही गाना भी लुक भी उसकी बहुत लिल वेन जैसी है, सो ही कैन बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। और जिसको लोगों ने पसंद किया, आज जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और नया मेन स्ट्रीम हिप हॉप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे सुपर टैलेंटेड एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है एमिवे बंटाई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज एंट्री इन बॉलीवुड। ही गोना किल एवरीथिंग विद हिप हॉप इन बॉलीवुड। ही इज द ओनली गाय हु कैन मेक इट नेक्स्ट लेवल। सो फ्रॉम ऑल दीज बॉयज ही इज माई फेवरेट। बेस्ट विशेज हैं एमसी स्टैन को। ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है। और मैं हिप हॉप, मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेस कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो। और डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पर फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने, जैसे हमने गेटअप जवानी लिखा था। जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो है टेक बर्नर की ओर से। टेक बर्नर ने कंप्लीट कर लिया 10 मिलियन सब्सक्राइबर। इस पर उनकी एंड उनकी टीम की कुछ ये रिएक्शन थे। अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है बीबी की वाइंस की ओर से। बीबी की वाइंस ने अभी एक वीडियो डाली है जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पर लोग उनसे नाराज हैं, लोग उनसे मांग रहे हैं पुराने वाला बैकग्राउंड। ये रहे कुछ कमेंट, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है हर्ष बेनीवाल की ओर से। हर्ष बेनीवाल अपडेट थी उनकी न्यू वीडियो के ऊपर, तो आप देखिए उनका ये ट्रेलर। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।